दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा उन खिलाड़ियों की जो वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार 90 से लेकर 99 रनों के बीच आउट हुए, यानी वो खिलाड़ी जो वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार नर्वस 90s का शिकार हुए। नंबर 5, जैक कैलिस। जैक कैलिस साउथ अफ्रीका के एक लेजेंडरी बैट्समैन थे जिन्होंने 1996 से लेकर 2014 तक साउथ अफ्रीका के लिए क्रिकेट खेला, और अपने 18 साल के करियर में कैलिस ने 328 वनडे मैचों में 44 के एवरेज से 11,579 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 17 शतक भी लगाए। लेकिन अपने करियर के दौरान कैलिस 8 बार नर्वस 90s का भी शिकार हुए। नंबर 4, अरविंद डी सिल्वा। अरविंद डी सिल्वा श्रीलंका के फॉर्मर कैप्टन और एक शानदार मिडल ऑर्डर बैट्समैन थे जिन्होंने साल 1984 से लेकर साल 2003 तक श्रीलंका के लिए क्रिकेट खेला, और इस दौरान उन्होंने श्रीलंका के लिए 308 वनडे मैचों में 35 की एवरेज से 9,284 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 11 शतक भी लगाए। लेकिन अपने करियर के दौरान डी सिल्वा 9 बार नर्वस 90s का भी शिकार हुए। नंबर 3, नेथन एस्टल। नेथन एस्टल न्यूजीलैंड के शानदार ओपनिंग बैट्समैन थे जिन्होंने साल 1995 से लेकर साल 2007 तक न्यूजीलैंड के लिए क्रिकेट खेला, और अपने 12 साल के करियर में एस्टल ने 223 वनडे मैचों में 35 की एवरेज से 7,090 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 16 शतक भी लगाए। लेकिन अपने करियर के दौरान एस्टल 9 बार नर्वस 90s का भी शिकार बने। नंबर 2, ग्रांट फ्लावर। ग्रांट फ्लावर जिम्बाब्वे के एक शानदार मिडल ऑर्डर बैट्समैन थे जिन्होंने साल 1992 से लेकर साल 2010 तक जिम्बाब्वे के लिए क्रिकेट खेला, और उन्होंने 221 वनडे मैचों में 33 की एवरेज से 6,571 रन बनाए। लेकिन अपने करियर के दौरान फ्लावर काफ़ी अनलकी भी रहे, क्योंकि उन्होंने अपने करियर में जितने शतक नहीं लगाए उससे ज़्यादा बार वो नर्वस 90s का शिकार बने। जी हाँ, फ्लावर ने अपने वनडे करियर में 6 शतक लगाए और वो 9 बार नर्वस 90s का शिकार बने। नंबर 1, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन हैं, और साथ ही सचिन के नाम वनडे और टेस्ट में मिलाकर 100 सेंचुरीज का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। सचिन ने इंडिया के लिए साल 1989 से लेकर साल 2013 तक क्रिकेट खेला, और अपने 24 साल लंबे करियर में सचिन ने 463 वनडे मैचों में 18,426 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 49 शतक लगाए। लेकिन अपने करियर के दौरान सचिन काफ़ी अनलकी भी रहे, और वो वनडे में 18 बार नर्वस 90s का भी शिकार हुए। तो दोस्तों, ये थे वो खिलाड़ी जो वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा बार नर्वस 90s का शिकार हुए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।